आप सबको जय मसीह की। खुदावन आपको बहुत ज़्यादा आशीष दे, खुदावन आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। हालेलुया। आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और मसीह वचन में लिखा है, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। मेरे खुदावन, तूने संभाल के रखा, तेरा धन्यवाद करती। जो भी भाई बहन इस वक्त जो मेरी वीडियो को देख रहा है, उस सबको खुदावन मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। उन सब के जीवनों को खुदावन तू आज बदल दे। उन सबको प्रार्थना वाला, वचनों वाला, उपवास वाला जीवन दीजिए मेरे परमेश्वर जी। मेरे खुदावन, मत्ती 18:18 में लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 18:18 में खुदावन जो आपने वायदा लिखा है, आज उस वायदे को खुदावन, आज मैं आपको उस वायदे को याद दिला रही हूँ। और खुदावन, जो भी भाई जो भी बहन मेरी इस वीडियो को देख रहा है, उसको मैं तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। उसके जीवन में जो भी कोई बंधन है मेरे खुदावन, आज मेरी खुदावन मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसको आज इस बंधन से आज़ाद कर दीजिए यीशु के नाम से। हर वो बंधन से इसको आज़ाद कर दीजिए यीशु के नाम से। गरीबी के बंधन से इसको आज़ाद कर दे, बीमारी के बंधन से आजाद कर दे मेरे खुदावन। मेरे खुदावन, आज खुदावन इनके जीवन को सेम रहने मत देना मेरे खुदा, आज से ये सेम ना रहे मेरे खुदावन। हालेलुया। मेरे खुदावन, प्लीज आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है खुदावन कि आज तेरा पवित्र आत्मा इन सब के बीच में होकर कार्य करे मेरे खुदावन। हालेलुया। खुदावन, आज से इनके जीवनों में शैतान की कोई भी मर्जी पूरी ना हो, यीशु के नाम से मैं आज प्रार्थना करती हूं मेरे खुदावन। मेरे खुदावन, आज से इन सब के बीच में खुदावन सिर्फ आपकी इच्छा, आपकी मर्जी पूरी हो यीशु मसीह के नाम से। खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि आपने मुझ मूर्ख को प्रार्थना करने के लिए चुना मेरे खुदावन। दिल की गहराई से खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि तूने मुझे इस लायक समझा कि मैं औरों के लिए प्रार्थना कर सकूँ। खुदावन धन्यवाद करती हूँ खुदावन, तूने इस छोटी सी प्रार्थना को सुना, सुन के कबूल किया। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।